अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। साइबर पुलिस और नगर थाना ने मिलकर देवघर से 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग कई खातों के साथ पैसा ट्रांसफर करते हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बिहार के बांका जिला का रहने वाला है, वही दूसरा चित्रा का रहने वाला है। पुलिस ने इन लोगों के पास से नगद रुपए, एटीएम कार्ड के साथ कई चीजें बरामद की है। एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि यह लोग इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के जरिए साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। देवघर से अविनाश की रिपोर्ट। कल सुबह एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि देवघर थाने में के 2 लोग हैं जो बाय नेम इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि एटीएम में कुछ ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ये लोग करते हैं और डिफरेंट टाइप के अकाउंट से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद इसमें तुरंत एक टीम गठित करके इसमें छापामारी करवाई गई, तो वहाँ पर 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक का नाम है अजय कुमार दास और दूसरा है मुकेश कुमार। इसमें एक बांका बिहार का रहने वाला है और दूसरा चित्रा का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब इंटरोगेशन इनसे किया गया तो पता चला कि ये डिफरेंट इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के अकाउंट होते हैं। मतलब इसमें आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, केवल मोबाइल नंबर का यूज़ करके आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एटीएम कार्ड से हो जाता है, एटीएम मशीन से हो जाता है। तो इस तरह के मोड का यूज़ करके ये लोग साइबर अपराध कर रहे थे। इसके अलावा फिर ये उस मोड का, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र का यूज़ करके डिफरेंट जैसे एयरटेल मनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या फ़ोनपे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ से उनके डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके उसको ये निकालते हैं। तो एक बड़ी मनी ट्रेल ये लोग क्रिएट करते हैं, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है इस क्राइम को करने का। तो ये चीज़ में हम लोगों को काफ़ी, इनसे कन्फेशन जब हम लोगों ने लिया तो उसके बाद काफ़ी रिकवरी भी हुई, जिसमें 30,000 रुपये कैश हम लोगों को बरामद हुआ, कई मोबाइल फ़ोन, कई फर्जी सिम जो इनके नाम पे नहीं थी, और इसके अलावा कुछ चेक बुक्स और कुछ एटीएम कार्ड भी हम लोगों को बरामद हुए हैं। तो हम लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।